हेलो एवरीवन, आई एम अनीशा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके रंगनाथ हिद्दू वर्ल्ड सेंचुरी की। इसको रीओपन कर दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में हम कुछ बहुत ही बेसिक से इन्फॉर्मेशन भी लेंगे, स्टैटिक पोर्शन भी कवर करूंगी। अब यहाँ पर देखिए पूरा इशू क्या है। बेसिकली इसे लगभग एक महीना पहले हम कह सकते हैं कि इसको क्लोज कर दिया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे थे। ओके, तो फ्लड्स आने के कारण इसे जो है वो क्लोज कर दिया गया था। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? मैसूर में देखने को मिलेगी। तो मैसूर में आपको ये देखने को मिलती है, जो कि आपका कर्नाटका में है। इसको अभी रीओपन कर दिया गया है। यहाँ पर जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है यहाँ की बोटिंग, ठीक है। तो बोटिंग वगैरह की जाती है यहाँ पर और वो सब चीज़ें देखी जाती हैं, और ये आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी भी देखने को मिलता है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी डिस्चार्ज ऑफ वाटर हो चुका था, बहुत ज़्यादा फ्लड आ चुके थे, क्योंकि KRS डैम भी बहुत ज़्यादा भर चुका था, जिसके कारण कि इसे खोल दिया गया, ठीक है। तो इसे जो है वो अभी बंद कर दिया गया था और अभी इसको दोबारा से रीओपन कर दिया गया है, क्योंकि जो सिचुएशन है वो यहाँ पर कंट्रोल में आ चुकी है। तो इसके बारे में जो स्टैटिक पोर्शन है उसको हम डिटेल में देख लेते हैं। ये फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हमें स्पीशीज़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेंटेड स्टॉक हो गया, किंग फिशर्स आ गए या कोरोमेंट्स आ गए, ठीक है, डेटर हेरोन्स आ गए, ठीक है, रिवर टर्न हो गए, एग्रेट्स आ गए, इंडियन रोलर आ गए, इबीज आ गए, ठीक है। तो कई सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, पेलिकन्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी से इस्टैब्लिश कब किया गया था? तो 1940 में इसे इस्टैब्लिश किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर जो है वो आती है, और ये आपको कावेरी नदी के किनारे देखने को मिलेगी कर्नाटका में। और ये क्या है? लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, कर्नाटका की, और 40 एकर्स एरिया में ये फैली हुई है। इसमें 6 आइलेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि कावेरी नदी के ऊपर स्थित हैं, ठीक है। ये जो सेंचुरी है इसे डिज़ाइन किया गया, अभी इसको ना आपका रामसर साइट भी अनाउंस कर दिया गया 2022 में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाती है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और फ्लड्स जो है वो देखिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आजकल रह रहे हैं, तो फ्लड्स के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रॉपर ड्रेनेज पर फोकस करना चाहिए, और प्रॉपर तरह से हमें एक और चीज़ पर फोकस करना होगा कि स्पॉन्जी सिटीज़ बनानी होंगी, ठीक है। मींस हमें वेटलैंड्स के ऊपर फोकस करना होगा। तो इसको जो है वो एक तरह से रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया है, आपने ये चीज़ जो है वो याद रखनी है। ओके, थैंक यू।